पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए युवाओं ने उन्हें नौकरी देने की मांग की है। इन युवाओं ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर एक महीने के भीतर उन्हें नौकरी नहीं दी गई तो वे हड़ताल शुरू करेंगे। पिछली वामपंथी सरकार ने त्रिपुरा पुलिस में कांस्टेबल के 838 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चलाई थी। हम लोग अभी आज यहाँ पे समावेश हुआ है, एक ही कारण है, अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट के सीएम तथा हमारा राज्य का मुख्यमंत्री श्री विप्लव कुमार देव महाशय को ये जनान देने के लिए हम लोगों का जो पुलिस का वैकेंसी था, हम लोग इंटरव्यू में टिके थे, वो अभी जितना जल्दी हो हमारे हमारे बारे में सोचे, क्योंकि हम लोगों को 1491 कैंडिडेट अभी टिका हुआ है, इसमें वैकेंसी है टोटल 838 वैकेंसी। अभी देखना, अभी सिर्फ इतना ही आप लोगों को बोलना है, आप लोगों के माध्यम से सर जितना जल्दी हो सके हम लोगों को एक रास्ते पे खड़ा करने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत दिनों से डेढ़ साल हो रहा है अभी भी बैठे हुआ है, हम लोगों को रिजल्ट अभी नहीं मिला। सफलता से पूरी प्रक्रिया संपन्न भी हुई, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाने से सरकार ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया। जैसे ही बीजेपी आईपीएफटी सरकार सत्ता पर आई, उन्होंने पिछली सारी नियुक्ति प्रक्रियाएं रद्द कर दी। कल देश 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। सिक्किम राज्य भी पूरी तरह से स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के लिए तैयार है। सिक्किम के पलजोर स्टेडियम में कल आजादी का जश्न मनाया जाएगा। इसी के तहत आज फाइनल ड्रेस रिहर्सल किया गया। पलजोर स्टेडियम में तिरंगा फहराकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। इस मौके पर परेड के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। असम के लोगों को अब नागालैंड में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य इनर लाइन परमिट तभी मिलेगा जब वे एनआरसी के मसौदे में प्रमाणित आवेदक के विवरण को प्रशासनिक अधिकारी से विधिवत प्रमाणित कर उसकी फोटोकॉपी जमा करवाएंगे। ऑफ कोर्स एज यू नो वी इशू आईएलपी बेसिंग ऑन द आईएलपी एक्ट द बीएफआर एक्ट ऑफ 1873 एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम वी आल्सो गो फॉर आईएलपी ड्राइव टू चेक द आईएलपीज एंड to find whether it has been renewed and all those things. And especially now, since this NRC thing is there, now what we have done is that recently we have just made an order that whoever is now coming for the ILPs now, and of course for the fresh ILPs and for the renewal also, now they'll have to, especially for the residents of Assam, they'll have to produce the a copy of the draft NRC and their name in that. Okay. So, and that has to be attested by the concerned that district authority, whichever district they are from. Okay. So that is the recent addition what we have done after this draft NRC publication in Assam. ऐसा असम से अवैध घुसपैठ की जांच के लिए किया जा रहा है। News 18 असम नॉर्थ ईस्ट को जिला उपायुक्त ने यह जानकारी दी है। ILP is usually for a validity of 3 months. Okay. And if it is for tourist, say a tourist ILP, then we usually give 1 month or so. Mm-hmm. Even we give 15 days also, that's okay. Flexible, but usually it's for 3 months. मिजोरम पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ की खासियत है यहाँ का अनुशासन, जो कि हमें सड़क पर यानी ट्रैफिक में भी दिखाई देता है। मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारत का नो हॉकिंग सिटी भी जाना जाता है। Living in Delhi, and I've been in metropolitan cities of India, and seen honking everywhere. But here in Aizawl, even in huge traffic jam, also we do not hear any horn honking. And I'm really proud that I live in this silent city of India. यहाँ की सरकार को ट्रैफिक के लिए कोई नियम लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ के लोग इतने अनुशासन प्रिय हैं कि ट्रैफिक जाम में भी कोई हॉर्न नहीं बजाता। 3 लाख से अधिक आबादी वाले आइजोल शहर में
आज तक ना तो ओवरटेकिंग का मामला सामने आया है, ना ही आज तक किसी को ट्रैफिक लाइन तोड़ते देखा गया है। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा इस राज्य का मुख्य उत्सव है और इसे दुर्गोत्सव भी कहा जाता है, जो कि बंगाली समुदाय का वार्षिक उत्सव है। त्रिपुरा राज्य में चूंकि बंगाली, त्रिपुरी, मुस्लिम, ईसाई और अन्य जातियों के लोग बसते हैं, इसलिए दुर्गा पूजा को त्रिपुरा का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। नहीं, ये तो पूरा भारत रत्न संघ सब लोग मिलके करते हैं ना। ये मैं सेक्रेटरी, मेरा जो दायित्व है वो बनता है वो तो मैं करता हूँ। और इस बार हम लोग अंकुर भाट, जो कंबोडिया का जो सबसे बड़ा हमारा विष्णु मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो बनाने जा रहे हैं। अभी देखते हैं कितना हो पाता है। कोशिश में तो लगे हैं कि हम लोग कंबोडिया का अंकुर भाट जो मंदिर है वही बना रहा है विष्णु मंदिर। अगरतला का भारत रत्न संघ नामक क्लब सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन करता आया है। डेढ़ महीने पहले ही यह क्लब पूजा की तैयारियां शुरू कर देता है। इस साल क्लब कंबोडिया स्थित अंकोर वाट टेम्पल की थीम पर पूजा का पंडाल बना रहा है। त्रिपुरा का सबसे बड़ा फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। अभी दो महीने बाकी है पूजा का, मगर यहाँ के जो पूजा ऑर्गेनाइजर्स है वो अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पीछे जो मंदिर का ढांचा भी तैयार हो गया है। कैमरा पर्सन काजल केरी के साथ मैं तन्मय चक्रवर्ती अगरतला से न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट के लिए।